नमस्कार, तहलका न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मऊ में कल से इंटरनेट सेवा बहाल हो गया है, जिसके चलते युवाओं में काफी खुशी की लहर दौड़ गई है। बताते चलें कि मऊ में बवाल के चलते कुछ दिन पहले इंटरनेट सेवा पूरी तरह से ठप कर दी गई थी, बंद कर दिया गया था, जिसके चलते सबसे ज्यादा परेशानी युवा वर्ग को हो रही थी। हालांकि इससे काफी सभी लोग प्रभावित थे और काफी लोगों में आक्रोश भी था और निराशा भी थी, लेकिन इंटरनेट सेवा बहाल होते ही लोगों में एक बार फिर खुशी की लहर दौड़ गई है। और मऊ के युवा क्या इस बारे में सोचते हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं। देते हुए बताइए कि मऊ में नेटवर्क कई दिनों से गायब था, प्रशासन बंद कर दी गई थी, अब नेटवर्क आज से चालू हो गया, क्या कहेंगे इस बारे में आप? जी, मैं अमन राय, जिला महामंत्री, भाजपा युवा मोर्चा। और नेट की बात रही तो 16 तारीख को मऊ में कुछ स्थितियाँ अनुकूल नहीं थी, जिसके चलते नेट बंद करना आवश्यक था, माहौल इधर उधर खराब ना हो। तरह तरह की अफवाहें फैलती हैं फेसबुक द्वारा और अन्य सोशल मीडिया द्वारा, जिसके कारण नेट बंद कर दिया गया था। अब सारी स्थिति अपने अनुकूल है और जिसके कारण आज नेट चालू हुआ है। हर काम को करने में आसानी हो रही है और हर प्रकार के काफ़ी व्यवसाय संबंधी दिक्कतें हो रही थी नेट बंद होने से, जैसे ऑनलाइन टिकट हुआ, ऑनलाइन पेमेंट हुआ, हर चीज़ जो ऑनलाइन काम थे हमारे, उनको काफ़ी समस्या हुई। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो ये ज़रूरी भी था, स्थिति को देखते हुए आज नेट चालू होने से खास करके युवाओं में अधिक उत्साह है। बाकी सारा संभाव। अंकित पांडे, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा, जिला अध्यक्ष मऊ। पूरे मऊ जनपद में नेटवर्क काफ़ी दिनों से बंद था, कई दिनों से बंद था, फिर आज नेटवर्क चालू हुआ, क्या कहेंगे इस बारे में आप? हाँ, तो नेटवर्क 16 तारीख से बंद था, जिससे बहुत दिक्कतें हो रही थी, बहुत ही वायर परेशान थे, और नेटवर्क चालू होने के कारण बहुत युवा प्रसन्न है और सब ठीक चल रहा है माहौल। अच्छा, युवाओं में काफ़ी उत्साह है। काफ़ी परेशानी हो रही थी नेटवर्क में, बहुत परेशानी हो रही थी, इससे कोई मतलब ही नहीं था मोबाइल चलाने का, और अब सब ठीक चल रहा है नेटवर्क आने से।